Hello to all. Subscribe my channel and like video and press the bell icon for the latest video. Thank you. आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि किस तरीके से आप अगर कोई भी डिलीटेड मैसेज मतलब कि WhatsApp का डिलीटेड मैसेज आपका होता है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि कोई बंदा आपको मैसेज भेजा और उसको वो मैसेज सही नहीं लगा तो डिलीट कर देता है, अक्सर कई लोग ऐसे ही करते हैं, तो आप वो मैसेज को पढ़ सकते हैं। तो किस तरीके से पढ़ सकते हैं तो मैं आपको सबसे पहले आपको मैं एक ऐप का नाम बताऊंगा, उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो ये जो है नोटी सेव है, स्टेटस एंड नोटिफिकेशन सेवर, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये करीबन 4 MB का ऐप है और इसकी जो है डाउनलोड है 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है इसमें। और इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पर अलाउ में क्लिक करना है और नोटिफिकेशन यहाँ पर सेव कर देना है, मीन्स याला जो है आपको अलाउ करके यहाँ पर सेव कर देना है। इसके बाद आपको बैक क्लिक कर देना है और यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो आपकी जितनी भी अब नोटिफिकेशन आएंगी तो यहाँ पर सेव होती रहेंगी, मीन्स अगर वो डिलीट भी कर देता है तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। हर एक जगह की नोटिफिकेशन आप सेव कर सकते हैं, जैसे कि जीमेल की या कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं केवल व्हाट्सएप की भी रख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं मैसेज हटा देता हूँ और ये जो है ऐसी सारी चीज़ें हटा देता हूँ और केवल व्हाट्सएप रखता हूँ। तो यहाँ पर जो भी मेरे व्हाट्सएप की मैसेज आएंगे तो यहाँ पर जो भी अगर वो बंदा डिलीट भी कर देता है तो मेरे में यहाँ पर सेव रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसका यूज़ करके आप अपने दोस्तों की जो भी बातें हैं जो डिलीट हो जाती हैं तो उसको देख सकते हैं। तो आपको नॉर्मली जो है 4 MB का ऐप इंस्टॉल करना है। और मैं यहाँ पर जो है अभी मेरे पास सेकेंड फ़ोन नहीं है तो मैं यहाँ पर जैसे कि ये आपको दिखा देता हूँ, मैंने हाय लिखा, जैसे ये मैंने डिलीट कर दिया फॉर एवरीवन, ये जो मैसेज है ये डिलीट हो जाता है। लेकिन बट आप अगर जो मैंने ऐप बताया वो अगर इंस्टॉल रखते हैं तो आपको वो जो डिलीट हो भी जाता है तो आपको दिखेगा। तो अभी तो जैसे कि मैंने जिसको भेजा है वो जो है ये मैसेज नहीं पढ़ सकता, बट अगर वो ऐप इंस्टॉल रखता है ये अला नोटी सेव तो उसके पास भी यहाँ पर जो है उस मेरी जो है मैंने जो भी भेजा था वो वहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी आसानी है इसमें, आप आसानी से इसमें अपना व्हाट्सएप की सारी नोटिफिकेशन रख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जब भी कोई डिलीट करेगा या सेव करेगा जो भी करेगा आपको यहाँ दिख जाएंगी। बट अगर मुझे कोई भेजता है और वो डिलीट कर देता है तो मैसेज, तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो है WhatsApp का नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए। अगर WhatsApp का नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहता है तो दोस्तों तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आता है। तो जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन का अभी ऑफ रखा है तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। तो WhatsApp का आपका नोटिफिकेशन ऑन डिफ़ॉल्ट रहता है, मैंने उसको हटाया है। तो आप लोग अगर ऐसा किए हैं तो उसको सही कर लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको ये बातें समझ में आ गई हो कि आप किस तरीके से डिलीटेड जो भी है मैसेज जो है वो आप देख सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं इस तरीके की वीडियो और भी लाता रहूँ।